दिल्ली का बवाना इलाका शनिवार रात गोलियों की तड़तड़ाहट से उस वक्त दहल उठा जब बवाना के सुल्तानपुर डबास गांव में पारुल नाम के युवक की हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाश पारुल के घर पहुंचे, उसे घर से बाहर बुलाया और फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत की नींद भी सुला दिया। इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें बदमाश आते और वारदात को अंजाम देकर फरार होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पारुल 19 साल का था। बताया जाता है कि इस हत्याकांड में बदमाश दीपक बॉक्सर का हाथ है। खुलासा हुआ है कि कुछ दिन पहले ही पारुल का इलाके के कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ था। माना जा रहा है कि हत्याकांड के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ भी हो सकता है। हालांकि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जाँच कर रही है। पुलिस टीम का मानना है कि जैसे ही आरोपियों की पहचान होगी उनकी गिरफ्तारी में देर नहीं लगेगी। लेकिन जिस तरह से बाहरी दिल्ली में गैंगवार की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं, उसने इलाके की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इस तरह बाहरी दिल्ली कब तक लहूलुहान होती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।